स्वेलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने टोयोटा ग्लेंजा, ये इसका एस मॉडल है। और अगर आप ग्लेंजा के अंदर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपको एकदम कंप्लीट सी गाड़ी मिल जाए और आपको बाहर से कुछ भी ना कराना पड़े, मतलब आपको टोटली जितना भी काम गाड़ी के अंदर चाहिए वो आपको कंपनी फिटेड एक्सेसरीज वाला ही चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हों इनबिल्ड हों, ऐसा भी नहीं हो कि कुछ एक्सेसरीज के तौर पर लेना पड़े, तो फिर ये वेरियंट आप प्लान कर सकते हो। इसका एस वेरियंट है और टॉप एंड ट्रिम तक भी अगर आपको नहीं जाना है तो भी आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको जो कि आपकी बेसिक नीड्स होंगी, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आपको ऐसा फील करा देंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है टॉप मॉडल तक नहीं गए, यही हमने ले लिया। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते हैं। ये 2023 वाला है, ये अपडेटेड है और जो जो चीज़ें इसके अंदर अपडेट होनी थी वो सब कुछ इसके अंदर हो चुकी हैं। तो ये आपके सामने खड़ी हुई है ग्लेंजा एस। कीमत की बात करते हैं तो 7,60,000 रुपये आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है दिल्ली हैदराबाद के अंदर, और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट कैरी कर सकती है, और किस डीलर पे आपको क्या ऑफर मिल जाता है कुछ चीज़ें उस पे भी डिपेंड करती हैं। तो अभी इसके बारे में बातचीत करते हैं कि ये गाड़ी आपको क्या क्या ऑफर करती है 2023 के अंदर आप इसे लेने के लिए जाते हो। तो अभी बात करते हैं। तो ये हैं इसकी चाबियां, चाबियाँ नॉर्मल सी मिलती हैं, दोनों ही चाबियों पर सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है आपको, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं, आप देख सकते हो दोनों सेम कीज़ हैं। और अभी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। ये हैं इसके डायमेंशन वगैरह, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये, और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ आती है, मतलब सामने से थोड़ी एग्रेसिव भी लगती है और फिर थोड़ी सोबर भी लगती है। तो आपको कुछ कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा बेस है ग्लेंजा का इंडियन मार्केट के अंदर, अगर आपको पता हो तो काफ़ी बढ़िया बिकती है, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज आपने काफ़ी देखी होगी रोड्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मतलब इंडियन कस्टमर्स को, मतलब जो इंडियन बायर्स हैं इस सेगमेंट के, उनको थोड़ी पसंद आ जाती है ये। अब मिलता क्या क्या वो बात कर लेते हैं। डायमेंशन आपको बता दी, सामने प्रोजेक्टर्स आते हैं इसके अंदर बेस मॉडल से, ये एक अच्छी चीज़ है, बट ये आपको येलो लाइट ऑफर करते हैं तो यहाँ पे आपको येलो लाइट मिलेगी। अंदर की ट्रिम जो आप देख रहे हो सब ग्लॉसी है, हेड में छोटे छोटे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो ये अपने क्रोम के हैं, मतलब जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं ना जब धूप वगैरह पड़ती है तो कोई कह नहीं सकता कि DRL नहीं है। तो ये यूनिट खाली सी नहीं मिलती आपको, एक चीज़ बढ़िया है। ये अपना पार्किंग बल्ब है, इंडिकेटर है, नीचे की साइड कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आते हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हो, जस्ट क्रोम की स्ट्रिप दी हुई है और ये थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक इसकी मतलब सगी बहन भी आती है बलिनो, उन बलिनो और इसमें से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है वो बताना फ्रंट प्रोफाइल वाइज। जो इसका सामने का ये लुक है ये देखो, मुझे पर्सनली ये मस्त लगती है, थोड़ी सी मतलब ऐसा शार्प सी प्रोफाइल निकल के आती है इसकी, थोड़ी ज़्यादा शार्प सी लगती है उसके कंपैरिजन में, बट हैं तो सही नहीं, बट आप बताना आपको कौन सी पसंद है। सामने से यहाँ पे विंग्स मिलते हैं जो कि क्रोम के मिलते हैं, अगेन यहाँ पे अपने टोयोटा का लोगो है, नंबर प्लेट और नीचे का जितना ये पोर्शन आप देख रहे हो सब कार्बन फाइबर जैसे टेक्सचर में दिया हुआ है। साइड में आते हैं, साइड में आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम स्मूथ सी बॉडी लैंग्वेज है गाड़ी की, तो मतलब एक फैमिली मटेरियल आप इसे कह सकते हो अगर आपको घर के मतलब से कोई गाड़ी ऐसी चाहिए कि हाँ भाई हमें ना मॉडिफाई करानी है ना कुछ ऐसा शोशेबाजी करनी है, तो ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आता भी इंडियन बायर्स को, बट अगर आपको ऐसा मॉडिफाई भी करवानी तो भी आप इसे ले सकते हो। मस्त चमकती है, मतलब मस्त दिखती है रोड पर जब थोड़ा बहुत काम करा देते हैं, तो दोनों ही तरीके बायर्स के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अपोलो के टायर्स हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 185/65 R15 15 इंच की प्रोफाइल आती है, स्टील व्हील्स आते हैं, आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी आपको ऑफर करती है, मतलब 170 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। व्हील कैप्स आते हैं, ये कुछ इस तरीके देख सकते हो, टोयोटा का बीच में लोगो है, और जब भी लो आप भी अगर ले रहे हो तो टोयोटा से ही लो भाई, जो शोरूम से मिलते हैं ये मस्त होते हैं, ना कलर जाता है ना निकल के भागते हैं जल्दी से, तो एक बढ़िया चीज़ है। इससे नीचे इसका बेस मॉडल आता है तो उससे इस पर शिफ्ट होने में एक ये चीज़ हो जाती है, फेंडर आपको क्लीन मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है, ये इंडिकेटर्स आ जाते हैं अपने इस पे ORMs के ऊपर, ये देखो, और ये अंदर से फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट हो जाते हैं भाई इलेक्ट्रिकली, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये एक टॉप मॉडल वाला फीचर हो गया। साइड में विंडो जो है अपनी, मतलब ये प्लेन विंडोज आती हैं, कोई टिंटेड ग्लासेस नहीं है, ये बीच वाला पिलर जो है मैट ब्लैक है, डोर हैंडल जो है बॉडी कलर्ड हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें देखो जो मैं बताता जा रहा हूँ, मतलब जो टॉप मॉडल में मिलती हैं आपको, तो ये बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, बट इसमें आपको मिल जाती हैं, तो एक ये फ़ायदा है बेस से इस पर आने का। एंटीना है ऊपर, स्पॉयलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर नहीं है बट डिफॉगर यहाँ पे मिल जाता है। टेल लैंप्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के जल रहे हैं अभी फिलहाल, तो कुछ इस तरीके से जलते हैं ये। और यहाँ मॉडल एस की बैजिंग है, ग्लेंजा लिखा हुआ मिलता है, टोयोटा का लोगो। कैमरा वगैरह नहीं आता है, चार पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो यहाँ नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। और बूट की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन भी आपको ऑफर होती है, ये इसे प्रेस करके आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे है, बूट की बात करें तो ऑलमोस्ट 318-319 सीटर्स के आसपास की बूट कैप्स यहाँ पे मिलती है, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, मतलब काफ़ी डीप है तो ईजिली सामान आ जाएगा आपका।
और स्पेयर व्हील की बात यहाँ पे करते हैं, अपोलो का टायर है ये, और टायर सेक्शन 185/65/R15, तो सेम मिलता है वो स्टील व्हील, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कुल मिला के जो स्टैंडर्ड चारों टायर हैं उसी सेम साइज़ का आपको ये स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो अंदर चलते हैं, तो एक सेकंड से बंद कर लेता हूँ मैं। तो एक तो इसकी थीम ये मुझे काफ़ी प्यारी लगती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो कुछ इस तरह की थीम होती है ना जो बिल्कुल ही बेज होती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा मिला जुला सा कॉम्बिनेशन हो तो ये बढ़िया लगता है। मतलब कहीं कहीं पे हाईलाइट है, कहीं कहीं पे ब्लैक चीज़ें भी हैं, कहीं कहीं पे ग्लॉसी ब्लैक चीज़ें भी हैं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे एकदम बेज इंटीरियर बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ टाइम तक अच्छे लगते हैं वो, उसके बाद मतलब फिर वही मूड ऑफ होने लग जाता है, उन्हें साफ करो मेंटेन करो, तो ये थोड़ा आपको सोबर लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो आगे बढ़ते हैं। तब तक ये यहाँ पे फैब्रिक वगैरह मिलता है, ये देख सकते हो बढ़िया, ये ब्लैक फैब्रिक है, ये बेज फैब्रिक है, मिलता फैब्रिक है दोनों ही पैनल्स पे। चारों पार विंडोज हैं, डबल साइड विंडो जो है बंटे, अप डाउन भी है, विंडोज के लॉक, डोर्स के लॉक, ओआरएम से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आप देख सकते हो, सिर्फ एडजस्ट नहीं होते हैं ये, फोर्ड एंड फोर्ड बीइंग से हो जाते हैं। ब्लैक डोर लेवर, स्पीकर है, बोतल होल्डर वगैरह है, फोर वे मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट मिलती है, ये देख सकते हो ये भी फैब्रिक की है, और डुअल शेड्स में बेज एंड ब्लैक। नीचे तीन पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच और डेड पैडल के लिए अलग से यहाँ पे डेडिकेटेड स्पॉट है, और उसके ऊपर रबराइज ग्रिप भी दी हुई है। यहाँ पे बोनट खोलने के लिए लिवर है, फ्यूल लिड खोलने के लिए लिवर है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, आईडी स्टार्ट शो वाली बटन भी मिलती है, और लाइट लेवलिंग डायल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अभी अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो सेगमेंट में अगर एक कंफर्टेबल हैचबैक की बात करी जाए तो इस गाड़ी को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो इसकी ये बॉडी लैंग्वेज है ना, ये मतलब फेमस है भाई अपने स्पेस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, जितना मुझे आइडिया है। बाकी आपकी क्या राय जरूर शेयर करना। ये है इसकी चाबी, ये आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से डलेगी चाबी, एक बार ऑन करोगे स्टेयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाता है, ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जी हाँ, ये देख सकते हो गया, यहाँ पे हाथ लगाने से पहले टोयोटा लिख के आता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं जब तक ये ऑन होता है, यहाँ पे इसे एक बार और घुमा देता हूँ चाबी को। तो ये देखो डुअल डायल्स आते हैं, ये बेस मॉडल से आते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। ABS, EBD आता है इसके अंदर, और अब देख सकते हो आप पीछे भी तीन एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, और तीनों की तीनों 3-point सीट बेल्ट आपको मिल जाती हैं, दो एयरबैग भी आते हैं, तो सेफ्टी नॉब जो अपडेट हुए हैं वो इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ है, 8000 तक यहाँ पे RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग वगैरह है, ये अपना स्टिक्स वगैरह देख सकते हो आप, इनसे अपना चेंज कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है, और ये देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, बहुत बढ़िया भाई। और जब भी ऑन ऑफ होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इधर की साइड वाइपर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल हैं। स्टेयरिंग वगैरह की बातचीत करें तो देखो काफ़ी हैंडी सा स्टेयरिंग व्हील मिलता है, मतलब पतला सा है तो काफ़ी हैंडी सा लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब गाड़ी की प्रोफाइल को मैच नहीं कर रहा, बढ़िया लगता है। नीचे फ्लैट बॉटम भी है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, फोन उठाने काटने के लिए बटन है, और इधर की साइड वॉइस कमांड का फीचर भी है। एडजस्टमेंट की बात करें टिल्ट, और ये आपको टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो ये है टोयोटा का लोगो है। डैशबोर्ड एक साइड में दिखाता हूँ, ऊपर की साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की वेजिंग भी है, येलो कलर की रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, मैनुअल डिमिंग IRVM भी आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है, बट मटीरियल वाइज चीज़ें आपको सॉफ्ट फील होंगी। और डैशबोर्ड देखो अब आप, ये देखो लगता है बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा, यहाँ पे जस्ट एक लेदर रैपिंग की कमी है, वो भी हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि आप मतलब ऐसे टॉप मॉडल में नहीं बैठे हुए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक है, बेज है, टस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है, 4 स्पीकर आते हैं इसके अंदर, और अपने AC वेंट्स, हेजार लाइट की बटन, ऑटोमेटिक AC आता है भाई, ये तो बेस मॉडल से ही है। 12 का चार्जिंग सॉकेट है, USB के लिए पोर्ट है, स्पेस है, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर, ये आप देख सकते हो पूरी बढ़िया तरीके से हाईलाइट की हुई है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है जस्ट ऐसे ही। ग्लॉसी ट्रिम्स वगैरह यहाँ पे हैं, स्पेस है, और यहाँ पे अपना क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक, और यहाँ स्पेस देखोगे तो अच्छी खासी डिसेंट सी स्पेस आपको मिल जाती है अपना पेपर वर्क रखने के लिए। तो ये हैं सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। और अभी चलते हैं पीछे, और पीछे की स्पेस भी दिखा देता हूँ, अगर इस सेगमेंट में इस गाड़ी को आप प्लान कर रहे हो तो पीछे क्या क्या चीज़ आपको ऑफर करती है और कैसी स्पेस ऑफर करती है। और अभी बात करें इसके रेयर स्पेस के बारे में, तो ये देखो डोर पैनल, मतलब टाटा के प्रोडक्ट्स की तरह 90 डिग्री तो नहीं है, बट उतना कम भी नहीं है कि भाई आपको ऐसा अंदर बाहर होने में कोई प्रॉब्लम हो। और डोर की थिकनेस आप देख सकते हो, ये देखो काफ़ी छोटे छोटे डोर पैनल्स मिलते हैं, यहाँ पे भी फैब्रिक वगैरह मिलता है आपको ऊपर नीचे दोनों पैनल्स पे। पावर विंडो की कंट्रोल है, डोर लेवर, अपना स्पीकर, बोतल होल्डर वगैरह है। और अभी पीछे स्पेस दिखाते हैं, मतलब कि ये प्रोडक्ट है तो मस्त, ये कर लेते हैं शायद पन्नी वन्नी। 5-9 मेरी हाइट है, ये सीट अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे मैं करके आऊँ कि अगर मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ तो कहाँ पे सीट रहेगी। तो ये देख सकते हो इतनी स्पेस है यहाँ पे मेरे पास, लिटरली इतनी स्पेस है, आप देख सकते हो थायरूम में कोई कमी नहीं है।
हेडरूम आप देख सकते हो कितना है मेरे पास, और ये एडजस्टेड हेडरेस्ट वगैरह भी है यहाँ पे। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से, तो तीन बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे इजीली, मिनिमल से हम पे तीनों बंदों को यहाँ पे बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे भी एडजस्टेड हेडरेस्ट, मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको पांचों के पांचों एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलेंगे बेस मॉडल से, ये एक बढ़िया चीज है। स्पेस है और यहाँ पे 12 का चार्जिंग सॉकेट भी है और स्पेस भी मिल जाती है। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह नहीं है दोनों सीट्स पे, और पीछे से देखो कुछ इस तरीके का दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। डेडिकेटेड यहाँ पे लाइट मिल जाती है आपको पीछे वाली रो के लिए, यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के, जो कि इजी फोल्ड होते हैं। यहाँ पे कोट वगैरह हैंग करने के लिए आपको हुक भी दिया हुआ है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी सी चीजें हैं। कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। और अभी इसका इंजन दिखा देता हूँ आपको कि इंजन में क्या मिलता है। और अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है, जो कि आप प्लस पॉइंट के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्मूथ साइलेंट इंजन है और इसके रिफाइनमेंट तो भाई क्या ही कहने उसके। ये आपको मिलता है 1197 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ऑलमोस्ट 88 bhp आपको डेवलप करके देता है ये। 113 nm का टॉर्क जो है ये डेवलप करके देता है आपको। 37 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 22 के आसपास की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और आप देख सकते हो इंजन कंपार्टमेंट, और नीचे से पूरी प्रोटेक्शन वगैरह दी हुई है, मतलब कोई भी चीज़ छोटी मोटी जो है वो डायरेक्टली हिट ना कर दे इंजन को। तो वो सारी चीज़ें हैं, बैटरी वगैरह है, फ्लूड्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। बाकी एक सेकंड से बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो ये थे आपके सामने 2023 टोयोटा ग्लेंजा एस, और मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको फीचर चाहिए, टॉप मॉडल तक नहीं जाना है, तो अब कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज़ कर दी, मतलब तीन पीछे अपना जो एडजस्टिंग हेडरेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें दे दी सीट बेल्ट के साथ। इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टस्केन वाला स्पीकर्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया पैकेज ये है। तो क्या राय है आपके, प्लीज़ जरूर शेयर करना, और कितने बंदे एग्री करते हैं और क्या ओपिनियन रखते हैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में, जरूर बताना कमेंट में। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।